अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। अभी भी कुछ लोगों पर 31st का असर देखने को मिल रहा है। किस कदर गलत कामों में लोगों को मजा आता है देखिए। शराब नोशी का रिकॉर्ड किया गया तकरीबन बेलगाम जिले के मैं 7 तालुकाओं में 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की शराब फस्त की गई है। इसी को कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। चिक्कोड़ी के नौजवान का कत्ल किए जाने की वारदात पेश आई है। लाश बेलगाम तानाजी गली के कुएं में बरामद की गई है। नए साल यानी 31 दिसंबर को इसका कत्ल किए जाने के बाद सामने आई है। पुलिस तफ्तीश जारी। आज बेलगाम में वजीर रहीम खान के हाथों वेस्ट सब्जी के जरिए गैस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इफ्तिताह अमल में आई। आज वजीर रहीम खान, वजीर सतीश जारकीवाली और एमएलए राज सेठ के हाथों प्लास्टिक की सड़क की इफ्तिताह की गई। इस तरह के कर्नाटक में पहली सड़क कहा जा रहा है। बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन के सामने ही आज इस सड़क को बनाया गया। आज सिटी कॉरपोरेशन में कुल 368 सफाई मजदूरों को भर्ती लेटर तकसीम किए गए। सफाई मजदूरों को मुस्तकील करते हुए सहूलतों के साथ मकानात भी देने का वादा आज दिया गया। इजलास कुमार गंदर रंग मंदिर में मुनक्कद किया गया था। दीपक नारायण साके मुझे तैयारी अरे दहेज मांगने पर दूल्हा पहुंचा हिंडल का जेल। दूल्हे की पहचान सचिन पाटिल बताए जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक खानापुर का दूल्हा सचिन पाटिल की शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे शादी नजदीक आई तो दहेज को दुगना कर मांगा गया। लिहाजा दुल्हन वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस वालों ने ही इसकी बारात निकालकर इसे जेल पहुंचाया। एमएलए आसिफ सेठ ने अमन नगर पहुंचकर तरक्कियाती कामों का जायजा लेकर सड़क गटर के कामों को मुकम्मल करने का वादा किया। जय किसान सब्जी मार्केट के जरिए एपीएमसी मार्केट को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा जय किसान और एपीएमसी के दरमियान मीटिंग तलब फरमाई गई थी। वजीर सतीश जारकीवाली, एमएलसी चंद्रराज अट्टीवाली, एमएलए आसिफ सेठ ने दरमियानी रास्ता निकालकर तनाजे को खत्म करने की दोनों कमेटियों को हिदायत दी। 31 दिसंबर की रात दो नौजवान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे, जिसमें सरदार ग्राउंड के करीब सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। सड़क हादसे में एक की मौत वाकई हुई तो एक शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को फौरन अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसकी वजह से जान बच गई। मरने वाले का नाम पंकज जगताप बताया जा रहा है, जो मच्छे गांव का रहने वाला। एक लड़की से आशिकी के मद्देनजर दो गिरोह आपस में टकराए। अख्तलाफ इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया कि गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। यह हादसा बेलगाम शहर के नजदीक नावगे गांव में पेश आया। अब नावगे गांव में पुलिस बंदोबस्त किया गया। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी की खबर हासिल नहीं हुई है। गांव में तनाव का माहौल है। नए साल का जश्न मनाने के लिए वालिदैन के पास रुपए मांगे, नहीं देने पर खुदकुशी की, यह वारदात कनबरगी में पेश आई है। मरने वाले का नाम सिद्धराई बताया जा रहा है। हुबली में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे में मुलव्वस हिंदुत्व तंजीम के अफराद को 32 साल बाद जानबूझकर हिरासत में लिया गया। ऐसा इल्जाम भाजपा के रवि कुमार ने किया है।
हिंदुत्व तंजीम के अफराद को हिरासत में लेने की खबर हासिल है, पर इसे सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वजीर आला सिद्धरामैया ने बताया। एक बार फिर डीके शिवकुमार समेत दीगर 30 लोगों पर सीबीआई ने नोटिस भेजे। इस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि जानबूझकर मुझे हिरासत कर फंसाया जा रहा है और मेरे सियासी कारकिर्दगी को कुछ लोग खत्म करने की साजिश चल रही है। अब कुछ दीगर खबरें। मरकजी हुकूमत ने ट्रक ड्राइवरों को लेकर अजीब कानून पास किया हुआ, जिसे लेकर मुल्क सतह पर ड्राइवरों ने हड़ताल पुकारी है। ट्रक हादसे में किसी की मौत हुई यानी हिट एंड रन हुआ तो 10 साल की सजा का यह कानून निकालने पर मुल्क सतह पर मोदी हुकूमत की मुखालफत में एहतजाज किए जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि क्या हादसे के बाद अगर कोई ड्राइवर वहां रुकता है तो आवाम ही उसे पीट कर जान से मार देती है, लिहाजा हादसे के बाद भागना ही पड़ता है। पर इस तरह के अजीब कानून से ड्राइवर तबका हैरान है। हड़ताल के बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। भले दुनिया का मीडिया कुछ भी कह दे, लेकिन गाजा में रोज मरते इसराइली फौजियों के मद्देनजर नए साल के मौके पर इसराइल ने गाजा से तमाम फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है। आखिर यह फैसला किस पस मंजर में लिया गया है, इस पर दुनिया भर में चर्चा जारी है। लेकिन मुट्ठी भर हमास ने जदीद हथियारों से लैस इसराइलियों को गाजा की सरजमीन में धूल चाटने पर मजबूर कर दिया, इतना जरूर है। इसराइली फौजियों ने हम किसी ना दिखने वाले दुश्मनों से लड़ रहे हैं और ये जंग जीत नहीं सकते, ऐसा कहते हुए देखा जा रहा है, इसी बीच चर्चा जारी। जापान में जबरदस्त जलजला पेश आया है। महज 90 मिनट में 21 बड़े जलजलों के झटके जापान को लगे, जिसमें 50 लोगों की मौत बताई जा रही है। 36,000 घरों की बिजली चली गई है, हजारों घर अब तक तबाह हो चुके हैं, सुनामी भी आ सकती है, ऐसा इशारा दिया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।